नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जागरण हाईटेक वर्ल्ड ईवी डे। और इस ओकेशन पे एक नई इलेक्ट्रिक गाड़ी आ पहुंची है मार्केट में, और ये है टाटा की। वेट वेट वेट, इस बार टाटा नहीं, महिंद्रा ने कुछ कमाल कर दिखाया है। ये है महिंद्रा की ब्रांड न्यू XUV400। एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी है जो सहन लगाएगी नेक्सॉन ईवी से एमजी ZS ईवी तक को। मतलब समझ सकते हैं 15 से 25 लाख के बीच में कहीं ना कहीं ये गाड़ी आनी चाहिए। मार्केट में आएगी ये अगले साल, मतलब थोड़ा सा इंतज़ार लंबा होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको एक डिटेल्ड डीप डाइव दूंगा। अगर आप नेक्सॉन ईवी या नेक्सॉन ईवी मैक्स लेने का सोच रहे हैं तो क्यों इंतज़ार करना चाहिए या आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए, उसी पे डिटेल में बात करेंगे। मैं हूं अनिर्बान। अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर अंत तक बने रहिए। डू हिट दैट लाइक एंड शेयर बटन। तो दोस्तों, ये है क्लियर व्यू ऑफ द महिंद्रा XUV400। कंपैरिजन की शुरुआत पहले दोनों गाड़ियों के डायमेंशन को लेकर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हैं और देख के भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि दिस कार इज़ एक्चुअली बिगर देन नेक्सॉन ईवी इन एवरी पॉसिबल सेंस। अगर इन दोनों के डायमेंशंस की बात करें देन ये गाड़ी लंबाई में ओवरऑल 4.2 मीटर्स है। इसका व्हील बेस 2600 मिलीमीटर का है। वहीं विड्थ और हाइट की बात करें 1821 मिलीमीटर और हाइट 1634 मिलीमीटर। सो दिस इज़ योर XUV400। वहीं नेक्सॉन ईवी या नेक्सॉन ईवी मैक्स की जब बात होती है तब डायमेंशनली नेक्सॉन ईवी मैक्स इज स्मॉलर, मतलब लेंथ 4 मीटर से नीचे, विद हाइट 400 से कम, और व्हील बेस भी लगभग 102 मिलीमीटर कम है। इसका ये मतलब होता है केबिन के अंदर स्पेस थोड़ा ऊपर नीचे आपको मिल जाएगा, जिसके डिटेल में हम जल्दी बात करने वाले हैं। कुछ एक्सटीरियर हाइलाइट्स, दोनों में आपको फुल LED हेडलाइट्स मिल जाते हैं। 16 इंच के अलॉय व्हील्स आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाएगा। कलर ऑप्शन भर के मिलेंगे दोनों गाड़ियों में। आप यहाँ पे दो XUV के कलर ऑप्शन देख सकते हैं, और भी 3 कलर ऑप्शन में ये आपको गाड़ी उपलब्ध कराई जाएगी। दोनों गाड़ियों के अगर फ्रंट डिज़ाइन की ओर देखेंगे तो द ग्रिल इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इनके पेट्रोल और डीजल अवतार के मुकाबले, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है, कूलिंग की उतनी ज़रूरत नहीं होती। सो मैन्युफैक्चरर्स कैन कीप इट फ्लश। और यहाँ पे अगर महिंद्रा के ग्रिल की ओर देखें तो यहाँ पे एक नया डिज़ाइन थीम जो ब्रॉन्ज में फिनिश किया गया है। डिज़ाइन वाइज इट्स योर पिक ऑल टुगेदर। मुझे नेक्सॉन थोड़ी शार्प लगती है, लेकिन XUV400 इज़ बिगर इन डायमेंशन। पीछे से अगर दोनों गाड़ियों को दिखाएं देन ये गाड़ी थोड़ी सी लंबी है, 4.2 मीटर जैसे आपको पहले बताया। जो इसके LED पैटर्न्स है पीछे के टेल लाइट्स, ये आइस इंजन से बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ स्पेसिफिक आपको एलिमेंट्स दिख जाएंगे जो ईवी स्पेसिफिक है। वहीं टाटा नेक्सॉन ईवी की बात करें तो जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी की बैजिंग आपको मिल जाती है, जो आपको वैसा कुछ यहाँ पे नहीं मिलेगा। कुछ इलेक्ट्रिक का कुछ सिग्निफिकेंट आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है। अगर चार्जिंग लोड की बात करें देन XUV400 में चार्जिंग का लोड सामने दिया गया है, वहीं टाटा नेक्सॉन ईवी का चार्जिंग लोड पीछे की ओर दिया गया है। तो ये तो थी बात साइज़, डायमेंशन, लुक्स की। आपकी पसंद है, आप कौन सा चूज़ करें, बिकॉज अगेन XUV इज़ अ बिगर कार इन दैट सेंस। केबिन के अंदर अगर हम घुसें तो देखिए दोनों गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्पेशियस फील नहीं होती है केबिन के लिए, बट दीज आर प्रॉपर 5-सीटर फैमिली कार्स। कंपेयर करें तो आई लाइक द XUV400 का केबिन थोड़ा सा बेटर इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी, इन टर्म्स ऑफ स्पेस, क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया गया है एंड ऑल्सो द स्पेस ओवरऑल, ये मुझे नेक्सॉन से ज़्यादा लग रहा है। बट वहीं नेक्सॉन में व्हाट इज़ बेटर, नेक्सॉन में जो फिट एंड फिनिश का लेवल है दैट इज़ बेटर, जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो मुझे नेक्सॉन में ज़्यादा पसंद आ रहा है। दोनों गाड़ियों में आपको सनरूफ का ऑप्शन मिल जाएगा। याद दिला दूं नेक्सॉन ईवी टोटल 3 ट्रिम्स में अवेल कराई जाती है, 15 लाख से अराउंड 17.5 लाख फॉर द रेगुलर नेक्सॉन ईवी, जिसमें 30.2 किलोवाट आर का बैटरी आता है, और जो उसका नया वेरिएंट मैक्स आया है जिसमें लगभग 40 किलोवाट की आर की बैटरी लगाई गई है, वो आपको लगभग 18 से 20 लाख की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। कितनी होनी चाहिए XUV400 की कीमत आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट वी थिंक दिस शुड बी प्राइस समवेयर अराउंड 16.5 लाख टू 18 और 19 लाख एक्स शोरूम। तो ये तो थी केबिन की बात। अब देखिए फीचर्स मैं बहुत ज़्यादा कंपेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी भी ये टेस्टिंग फेज में है। 4 महीने लगभग लग जाएंगे आपको इस गाड़ी को रियल लाइफ रोड पे देखने के लिए। प्राइस जो अनाउंस होगा जनवरी के महीने में, और इस
चार महीने के दौरान बहुत सारे फीचर अपग्रेड होने चाहिए केबिन के अंदर। फॉर एग्जांपल जो टच स्क्रीन हमने देखा, जो ड्राइवर्स इंस्ट्रूमेंटेशन हमने देखा, ये काफ़ी बेसिक लग रहे हैं, काफ़ी एलिमेंट्री लग रहे हैं एक्सयूवी फोर्ड डब्लो में। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम फीचर के मामले में मुझे नेक्सॉन ईवी बेटर लग रही है। अब दोस्तों आते हैं ऑल इंपॉर्टेंट ड्राइव एक्सपीरियंस में, XUV 400 वर्सेस Nexon EV Max कैसा इन दोनों का रियल लाइफ परफॉर्मेंस है। अब देखिए Nexon EV Max हमने बहुत एक्सटेंसिवली ड्राइव किया है, उस लिहाज से मैं अपना ओपिनियन देने वाला हूँ, लेकिन आज जो हमने 400 चलाया है ये काफ़ी लिमिटेड था, कुछ लिमिटेड फैसिलिटीज़ में ही हम इसे चला पाए। हम चेन्नई यहाँ पहुँचे हैं महिंद्रा के SUV प्रूविंग ग्राउंड पे, यहाँ पे ना हमें मिला ट्रैफिक, ना मिला हमें उबड़ खाबड़ रास्ता, ना ही हमें मिला कंजेशन। तो ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पे एक्सपीरियंस रियल लाइफ जैसा नहीं है, लेकिन कुछ ऑन पेपर नंबर्स की कंपैरिजन हम पहले कर लेते हैं। अगर बैटरी की बात करें Nexon EV Max और XUV 400 में जो बैटरी पैक है ये लगभग सेम है, 40 किलोवाट आर के आसपास, और इनमें जो आपको मोटर की बात करें तो दोनों में परमानेंट सिंक्रोनस मोटर दिया गया है। आउटपुट यहाँ पे XUV 400 बाजी मारती है, क्योंकि यहाँ पे पावर टॉर्क XUV में 150 PS और 310 न्यूटन मीटर का मिलेगा, वहीं Nexon EV Max अगर कंपेयर करें जो इसका हायर प्राइस वेरिएंट आता है, वहाँ पे 143 PS और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको देखने को मिल जाएगा। टॉर्क फ्रॉम वर्ड गो दोनों गाड़ियाँ क्विक ऑफ द लाइन एक्सलरेशन आपको प्रोवाइड करती है। यहाँ पे XUV 400 की जो 0-100 टाइमिंग है वो 8.3 सेकंड है, वही जो Nexon EV मैक्स की टाइमिंग है वो लगभग 9 सेकंड का वक्त लगाती है। एक्चुअली दिस इज द मोस्ट 0-100 फास्टेस्ट कार इन द सेगमेंट, ZS EV से भी दिस इज फास्टर। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें, सी आपको डिफरेंट लेवल्स ऑफ रीजनरेशन मिल जाएंगे दोनों गाड़ियों में, और दोनों गाड़ियों में जो रोड मैनर्स है वो लगभग सिमिलर है, क्योंकि आप समझ सकते हैं टाटा एंड महिंद्रा आर नोन फॉर देयर बिल्ड क्वालिटी। टाटा एंड महिंद्रा मेक देयर कार्स विथ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन सेफ्टी, वैसा ही आप इन दोनों गाड़ियों में देख सकते हैं। जो इनकी रोड मैनर्स है वो लाजवाब आप कह सकते हैं, आपको कमांडिंग व्यू मिलता है ड्राइविंग सीट से, आपको जो इसमें राइट क्वालिटी मिलती है दैट इज़ वेरी वेरी एश्योरिंग। एक मैकेनिकल चेंज किया गया है 400 में, इफ़ यू कंपेयर विथ 300, इसके जो रियर डैम्पर्स है इन्हें चेंज किया गया है, सिलेक्टिव डैम्पर्स दिए गए हैं जो हमने स्कॉर्पियो एन और XUV 700 में देखा था। कंपनी कह रही है ऑब्वियसली बैटरी लगाया गया है, मोटर लगाया गया है, तो ओवरऑल जो इसकी उसका वज़न है आइस पेट्रोल डीजल के मुकाबले बढ़ चुकी है, तो इसका पीछे का सस्पेंशन अब ज़्यादा लोड लेना चाहेगा, दैट्स वाई ट्यूनिंग की गई है। अगर मैं राइड क्वालिटी की बात करूं, मुझे जो अभी लगा जितना भी शॉर्ट मैंने चलाया है, Nexon में आपको थोड़ा ज़्यादा बॉडी रोल देखने को मिलता है, थोड़ा ज़्यादा स्टिफर सस्पेंशन दिया गया है, वहीं XUV 400 इलेक्ट्रिक अवतार इसमें जो सस्पेंशन है मुझे थोड़ा सा सॉफ्टर लग रहा है कंपेयर टू Nexon EV या EV Max, बट इस पे हम डिटेल में बता पाएंगे व्हेन वी गो फॉर अ रियल लाइफ रोड टेस्ट। सेकंड थिंग, जो इन दोनों में हैंडलिंग है मुझे बेटर लगी Nexon में, इसमें जो मुझे बेटर लग रहा था रोड मैनर्स, बट हैंडलिंग वाइज हाईवे स्टेबिलिटी वाइज मुझे Nexon ज़्यादा पसंद आई। सेफ्टी के मामले आप जानते हैं 300 को भी 5 स्टार मिले हैं, Nexon भी एक 5 स्टार गाड़ी है, इनके इलेक्ट्रिक अवतार को भी आई डोंट थिंक देयर इज एनी कन्फ्यूजन, सेफ्टी के मामले में भी ये दोनों गाड़ियाँ अच्छी खरी उतरेंगी। ये तो था इनिशियल इंप्रेशन 400 के साथ। महिंद्रा ने 450 का आंकड़ा छू लिया है, Nexon EV Max में अराउंड 440 से थोड़ा नीचे का आपको क्लेम फुल चार्ज रेंज मिल जाता है, यहाँ पे 450 से ज़्यादा, बट अगेन वी कैन नॉट कॉमेंट ऑन दिस बिकॉज अभी इसका मीटर काम नहीं कर रहा है, नीदर हम इसका एक रेंज टेस्ट कर पाए हैं। अगर रियल लाइफ Nexon की बात करें, Nexon EV जो 30.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक वाला वेरियंट आता है, उसमें हमने रियल लाइफ लगभग 270 तक निकाला है, विच मीन्स अगर ये गाड़ी XUV 400 कहीं भी आपको 350 से ज़्यादा देती है, इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो ये तो था हमारा इनिशियल इंप्रेशन ऑफ XUV 400 वर्सेस Nexon EV या Nexon EV Max। फिर से याद दिला देता हूँ, ये गाड़ी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी अगले साल जनवरी के महीने में। प्राइस अगर 16-17 लाख से 19-19.5 लाख के बीच होता है, इट विल बी अ डायरेक्ट चैलेंज टू Nexon EV's सुप्रीमेसी। प्रोडक्ट जो भी हमने आज इनिशियल इंप्रेशन देखा है, दिस इज प्रॉमिसिंग, लेकिन अगेन महिंद्रा के साथ कुछ दिक्कतें हो जाती है, बॉटल नेक बन जाता है, डिलीवरीज आप तक नहीं पहुंचती है, एंड दैट वी हैव सीन विद XUV 700 थार एंड द ब्रांड न्यू स्कॉर्पियो एन एज वेल।
वी एक्सपेक्टिंग ऐसा कुछ ना हो 4WO के साथ, बिकॉज इलेक्ट्रिक मार्केट ओवरऑल ग्रो कर रहा है एंड ऐसी प्रोडक्ट्स उमंग लाती है, आपको मजबूर करती है शोरूम तक आने में एक सस्टेनेबल फ्यूचर के बारे में सोचने में। बट फॉर अस आई थिंक अभी भी नेक्सॉन ईवी मैक्स हैज गॉट एन अपर हैंड। ये गाड़ी जब मार्केट में अवेलेबल होगी वी कैन डू अ फुल रोड टेस्ट रिव्यू टू टेल यू कौन सी होगी आपके लिए बेहतर।